तो फ्रेंड इस वीडियो में आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, नहीं तो सिर्फ इन्वर्टर है, सोलर सिस्टम नहीं है, जो भी है आपके पास एक बैटरी होना चाहिए और उस बैटरी को कुछ मेंटेनेंस करना जरूरी होता है। तो बैटरी में क्या क्या आपको देखना है वही हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे लुमिनस का सोलर इन्वर्टर लगा हुआ है। तो अभी पावर सेफ मोड में चल रहा है, मतलब मेन पावर सप्लाई से पावर नहीं ले रहा है, अभी सोलर से चल रहा है सब कुछ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस बैटरी के ऊपर कितना सारा धूल जमा हुआ है। तो ऐसे धूल जमा होने से प्लस यहाँ पर ऐसे रहने से भी आपके ये बैटरी में प्रॉब्लम आ सकता है, अर्थ फॉल्ट हो सकता है। तो आपको ये सब अच्छी तरह से क्लीन करके रखना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको नॉर्मल टैप वाटर और एक कॉटन कपड़े लेकर अच्छी तरह से आपको ये क्लीन करना पड़ेगा। तो और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, बैटरी को डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर नहीं तो कोई मेटल के ऊपर मत रखिए, आप लकड़ी के ऊपर नहीं तो प्लास्टिक के ऊपर आप रख सकते हैं। तो ऐसे में आपके बैटरी का कोई आर्थफॉल नहीं आएगा। तो ये क्लीन करने के टाइम आप ग्लव्स यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ग्लव्स नहीं है तो आप एक खाली हाथ से ऐसे क्लीन करके, क्लीन होने के बाद में आप अच्छी तरह से साफ दे के आपके हाथ धो लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकेंड आपको यहाँ पर एसिड चेक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो रेड कलर दिया हुआ है, तो रेड कलर यहाँ पर ग्रीन के पास रहेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके एसिड का लेवल ठीक है। और आपके ए लेवल धीरे धीरे कम हो गया है तो आप डिस्टिल वाटर डाल सकते हैं इसके अंदर। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो रेड कलर के मार्क दिया हुआ है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, बैटरी के अंदर एसिड नहीं रहेगा तो आपके बैटरी खराब हो सकता है। और बारिश के पानी भी आप डिस्टिल करके यहाँ पर दे सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये एक हाइड्रोमीटर है। तो जिसके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, साल में एक बार आपका जो बैटरी है उस बैटरी का ग्रेविटी चेक करना है। तो जो भी बैटरी आपके पास है उसका ग्रेविटी 1200 से ऊपर होना चाहिए। तो आपके घर में जिस बैटरी लगा हुआ है और उसका ग्रेविटी 1200 के नीचे आ गया है तो उस सेल का ग्रेविटी इंक्रीज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मेरे जो बैटरी है, मेरे जो बैटरी का जो सेल है यहाँ पर ग्रेविटी दिखा रहा है। के आसपास तो इसका ग्रेविटी ठीक है। तो ऐसे करके हर सेल आपको अलग अलग करके चेक करना पड़ेगा। तो ये जो हाइड्रोमीटर है मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अच्छा कंपनी का हाइड्रोमीटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और एक चीज आपको ये चेक करने के टाइम आपको ध्यान रखना है, बैटरी के अंदर जो एसिड है ये आपके जहां पर गिरेगा वहां पर खराब कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट बैटरी में 6 सेल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हर सेल में 2 वोल्ट रहता है, ग्रेविटी ठीक ना होने से आपके वोल्टेज ठीक नहीं होगा और उस सेल खराब हो जाएगा।
तो ग्रेविटी चेक करने के बाद आपका जो हाइड्रोमीटर है वो ऐसे ही मात्र रख देना। इस हाइड्रोमीटर को अच्छी तरह से धोकर आपको रखना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कैसे आपको ये साफ करके आपको रखना है। तो आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, आप जैसे वहाँ पर ग्रेविटी चेक कर रहा था वो ऐसे ही आपको पानी लेके अच्छी तरह से धो के फिर रख देना है। तो ऐसे करने से आपको क्या होगा, आपका जो हाइड्रोमीटर है उसका जो रबर है, रबर जल्दी से ख़राब नहीं होगा, बहुत साल आप हाइड्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं, मगर इसके रबर में एसिड रहेगा तो वो जल्दी से ख़राब हो जाएगा। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन भी दबा दीजिए।